आदाब। आदाब। अरे बीबी जी, आदाब बीबी जी, आदाब आदाब बीबी जी, आदाब। मालकिन मालकिन। अम्मी रजिया। तुझे देखने को तो मैं तरस गई थी। तरसने की जगह अगर आप तड़प जाती ना अम्मी तो ये मुलाकात बहुत पहले हो चुकी होती। रजिया, अम्मी आप इतने दिनों के बाद मत मिला कीजिए वरना यतीम होने का एहसास जागने लगता है। सच तो यह है रजिया, तो यतीम होने से ज्यादा बदकिस्मत है। तो कल मुन्ना के साथ हाजी अली की दरगाह पर जाने वाली है? हाँ। तो उसके साथ मत जाना बेटी, वरना तेरी जान को भी खतरा हो सकता है। तो समझ रही है ना मेरे कहने का मतलब? हाँ, लेकिन आपके कहने का तरीका नहीं समझ पाई। अम्मी आप ये भी तो कह सकती थी कि रजिया तुम भी मत जाना और मुन्ना को भी मत जाने देना, लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा। अम्मी आप ये नहीं चाहती कि मुन्ना जिंदा रहे और आप ये भी नहीं चाहती कि मैं मुन्ना के साथ मरूं। आपकी ख्वाहिश ये है कि मैं बेवा बनकर जिंदा रहूं। हर माँ अपने बेटे के लिए ये दुआ करती है कि वो सदा सुहागन रहे, और आप माँ होकर भी अपने बेटी को बेवा बनाने की साजिश में शामिल हो गई। तू बता, तू क्यों मुन्ना के लिए हमें छोड़ने के लिए तैयार हो गई? हम इज्जतदार लोग अपनी बेटियों के पांव में मेहंदी लगाकर उन्हें घर से रुखसत करते हैं, तू क्यों दाग देकर चली गई? क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो तूने अचानक मुंह मोड़ लिया? अम्मी ये आंसू आंखों में रहते रहते टपक क्यों जाते हैं? कुसूर आंखों का नहीं, दिल का होता है। अम्मी अम्मी आप मोहब्बत से हम लोगों को अपना लीजिए, सब दाग धुल जाएंगे। हरगिज नहीं। जो दूसरों के घर की इज्जत पर हाथ डाले उसे न तुम्हारे अब्बा कभी माफ करेंगे और न कभी मैं करूंगा। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था मुन्ना जैसा लावारिस कमीना बदजात तुम्हारा शौहर बनेगा। अम्मी वो मेरे शौहर हैं और मैं उनका नाम अदब से ही सुनना चाहूंगी। मैं चलती हूँ। रजिया, जो गलती तूने की है उसकी वजह से तुम्हें कभी इज्जत नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी? गलती सिर्फ मेरी नहीं आप लोगों की भी है। अम्मी आप ही बताइए, सपेरे की बेटी सपेरे से शादी नहीं करेगी तो और किससे करेगी? और आप बार बार अपने आप को इज्जतदार कह रही हैं। अगर शौहर की वजह से ही बीवी को इज्जत मिलती है तो मुझे आपसे कहीं ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि आपका शौहर तो सिर्फ भिंडी बाजार का दादा है, लेकिन मेरा शौहर आधी बंबई पर हुकूमत करता है और वो मरने से डरता नहीं, सामने से वार करता है। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती थी, मुन्ना की बीवी से नहीं। आपकी बेटी मर चुकी है अम्मी, अब सिर्फ मुन्ना की बीवी जिंदा है। यही तो फर्क होता है माँ और बेटी में। बेटी मर सकती है मगर माँ नहीं मर सकती। मेरी आखिरी बात सुन ले बेटी, अगर मुन्ना को कुछ हो भी गया तो अपने आप को अकेला मत समझना। हमारे घर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा। आपने गलत कहा अम्मी कि माँ नहीं मरती, माँ भी मर जाती है, वरना जो माँ जिंदा होती उसके घर का दरवाजा खुलने के लिए बेटी के बेवा होने का इंतजार नहीं करता। याद रखिए, अगर मुन्ना को कुछ हो भी गया ना तो भी मैं वापस इस घर में नहीं आने वाली, समझी? रॉबर्ट, खाने के लिए क्या बनाओ? मुझे कोई खाना वाना नहीं चाहिए। ये क्या, कहाँ चल दिए? सारा हिसाब किताब बताना तुझे जरूरी है क्या? तो फिर
तेल घर में क्यों रखा है? इन सब चीजों को सहते सहते मैं तंग आ चुकी हूँ। अब मैं तुझे ये सब करने नहीं दूंगी। क्या बोली तू? तू रोकेगी मुझे? तू क्या समझती है, शहर के दादा की बेटी है तो मुझ में धोस जमाएगी? आज साली मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। देखो देखता खबरदार जो मुझ पे हाथ। कौन बचाएगा तुझे? अच्छा नहीं होगा। कौन बचाएगा? मैं सबको बता दूंगी। कौन बचाएगा तुझे? हेलो, सुनो माँ को फोन देना, मुझे माँ से बात करनी है। माँ, माँ अंजू का फोन है। अंजू तू कुछ छिपा रही है। कुछ भी तो नहीं। नहीं तू कुछ छिपा रही है, मैं अभी वही आता हूँ। नहीं नहीं मुन्ना, तुम यहाँ मत आना। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी गलती थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। रॉबर्ट कहाँ है? मेरी गलती थी मुन्ना, मेरी गलती थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरी से गलती हुई थी। मुन्ना रॉबर्ट, मुन्ना मेरी बात तो सुनो, मुन्ना वो घर में नहीं है। रॉबर्ट मेरी बात तो सुनो, वो घर में नहीं है, मैंने कहा ना वो घर में नहीं है। रॉबर्ट मुन्ना मेरी बात सुनो, मुन्ना जो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमें लगा था तुम जल्दी आओगे, लेकिन आने में तुमने बहुत देर लगा दी। खैर, सुना है मुन्ना ने सरेआम तुम्हारी बहुत पिटाई की। अरे बंधु, जान बची तो लाखों पाए, वरना मुन्ना के हाथ से कोई जिंदा बचा है? मुन्ना की बहन को शादी के माया जाल में फंसा के ऐशो आराम के जो सपने तुमने देखे थे वो अब भी पूरे हो सकते हैं। कैसे? अपनी बीवी को फिर से पीटो।